माता की वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। सर विश्व के सबसे ऊंचे पुल पर से तिरंगा रैली निकाली गई है और सबसे बड़ा तिरंगा जो है वो शोकेस किया गया है, तो क्या मकसद है? जो सीने में फख्र है तिरंगे के लिए, इस ब्रिज के लिए, अपने देश पे, वही पेश करना चाहते थे। ये लगभग 750+ मीटर का तिरंगा जो हमारे लोगों ने यहाँ पे मिलके बनाया है और दो रात में बनाया है। हम चाहते थे कि हाईएस्ट ब्रिज जो आज दुनिया में हमारी शान है, जो तिरंगा हमारी जान है, हमारी शान है, उसको यहाँ पे डिस्प्ले करें, पूरे विश्व को बताएं कि हम अपने तिरंगे के लिए और अपने जो हमारी टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने इतनी ग्रेट अचीवमेंट्स की हैं उनको धन्यवाद कर रहे हैं, देश को धन्यवाद कर रहे हैं। और आप देखिए बच्चे बड़े बूढ़े जवान सब इसमें आज लगे हुए हैं। मैम हमने देखा कि पिछले दिनों काफी सारी अंत की घटनाएं भी हमारे जिले में हुई हैं और जम्मू रीजन में हुई है और उसके बाद भी लोगों में जज्बा जो है हमने देखा, बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पे इस तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? इसमें मैं सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के, जम्मू कश्मीर यूटी के सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। जम्मू कश्मीर पहले भी इसी तरीके से कई बार आतंकी घटनाओं का सामना करता आया है, बिल्कुल डट के करता आया है, पर यहाँ पे उन आतंकियों ने कभी भी हमारे लोगों का मनोबल तोड़ने का प्रयास जरूर किया है पर कभी तोड़ नहीं पाए हैं और यही उसकी एक मिसाल है जो कि आज हम अपने चेनाब ब्रिज, हाईएस्ट ब्रिज से सभी लोगों को देना चाहते हैं और खासकर इन आतंकियों को, इन पाकिस्तानियों को जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में आके हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बहुत ही जल्द उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा उन आतंकियों को। और ये हमारे लोगों का जज्बा है, जितना मर्जी कोशिश कर लें वो इसे तोड़ने की पर कभी तोड़ने में कामयाब नहीं होंगे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.